नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आपके इंतजार की जो घड़ी है वो समाप्त हो चुकी है। क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के जो स्टूडेंट हैं, जो इस साल क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के एग्जाम देने वाले हैं, उनकी टर्म टू एग्जाम की जो तिथि है, उनकी जो डेट है, वो अनाउंस हो चुकी है, उनकी घोषणा हो चुकी है। आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि हमारा टर्म टू का एग्जाम कब होने वाला है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि वो तारीख कौन सी है। तो सबसे पहले देखिए, ये सर्कुलर है, एक नोटिफिकेशन है जो CBSE द्वारा जारी किया गया है, और वो ये देखिए आज की डेट यहाँ पे लिखा है 9/2/2022, यानी आज ही के दिन अभी अभी थोड़ी देर पहले ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है CBSE की तरफ से। इसमें जो मेन बात है, जो आपको जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, वो है तारीख। तो देखिए यहाँ लिखा है टर्म वन थ्योरी एग्जामिनेशन विल कमेंस फ्रॉम 26 अप्रैल 2022। यानी आप सोच रहे थे ना कि मार्च में एग्जाम शुरू हो जाएगा, अभी एक महीने बाद ही हमारा एग्जाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो एग्जाम है 26 शुरू होगा। जरूरी नहीं कि आपके ही पेपर हो, पहले तो दूसरे पेपर होते, छोटे छोटे पेपर, आपके जो पेपर है बल्कि वो मई में चले जाएंगे, यानी कि 26 से एग्जाम शुरू होगा। आपके जो मेन पेपर है वो आते आते मई तो आ ही जाएगा। तो कुल मिला के आप सोचिए 26 अप्रैल के बाद ही आपका एग्जाम शुरू होगा। तो पहली चीज तो क्या है कि एग्जाम 26 अप्रैल से शुरू होने वाला है, ठीक है। दूसरा, द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी सेम दैट द सैंपल पेपर होस्टेड ऑन बोर्ड वेबसाइट। और पेपर कैसा होगा, जो अभी प्री बोर्ड में कहीं कहीं प्री बोर्ड हो चुके हैं, कहीं कहीं प्री बोर्ड होने वाले हैं, तो जो प्री बोर्ड का पेपर होगा वैसे ही पेपर होंगे, क्योंकि सैंपल पेपर के जैसा ही सभी टीचर ने पेपर बनाए हैं। सभी स्कूल के जो टीचर हैं उन्होंने बोर्ड द्वारा जो सैंपल पेपर दिया था उसी को आधार मानते हुए पेपर बनाए हैं। इसलिए आप जो प्री बोर्ड की परीक्षा दोगे उसमें आपको सारा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का पेपर आने वाला है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है, द स्टूडेंट विल अपेयर द एग्जामिनेशन फ्रॉम द अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर एज डन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। और आपका जो एग्जाम सेंटर है, जो पहले की तरह, यानी पहले सालों की तरह जो सेंटर आता था वैसा ही सेंटर आएगा। अभी क्या हुआ था, टर्म वन में जो सेंटर था वो आपके ही स्कूल में था, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे थे उसी में आपका सेंटर आया था, लेकिन अब यानी जो फाइनल पेपर है, यानी टर्म टू का जो पेपर है, उसमें आपको अपना पेपर देने दूसरे सेंटर में या दूसरे स्कूल में जाना होगा, जैसे कि पहले बार के ईयर में बच्चे जाते थे, ठीक है। और चौथी बात जो है वो ये कि द डेट शीट ऑफ द क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ विल रिलीज सून। क्या है कि बहुत सारे आपने देखा होगा, अभी फिलहाल जो YouTube है उसमें बहुत सारी जगह पे ये फैलाया जा रहा है कि डेट शीट आ गई है, जबकि डेट शीट अभी नहीं आई है। अभी सिर्फ डेट आई है कि इस डेट से एग्जाम शुरू होगा, लेकिन डेट शीट आने में अभी टाइम है। जैसी डेट शीट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा कि डेट शीट क्या है और कौन से दिन कौन सा पेपर है। आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।